सबको जयसु। मरियम की दास्ता के अंतर्गत मई महीने का आठवां दिन, आज के दिन हम विशेष रूप से प्रभु येसु हमारे मुक्तिदाता के आगमन के समय पर हम मनन चिंतन करते हैं। सर्वप्रथम हम संत लुकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं। माता मरिया अपनी दैनिक प्रार्थना करने बैठी, उसके चारों ओर दिव्य ज्योति के प्रेम का सागर उमड़ पड़ा और एक महादूत दिव्य दूत उसके सामने प्रकट हुआ और कहने लगा, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में। मरियम यह सुनकर डर गई। उसके मन में एक प्रश्न उठा, इस प्रणाम का क्या अभिप्राय हो सकता है। तत् उसकी दशा देखकर देवदूत ने उससे कहा, देखिए आप गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी, उसका वह अपने पिता परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। तब मरिया अपने मन में ही सोचने लगी कि यह कैसे हो सकता है, मुझ बालिका को प्रभु ईश्वर ने क्यों ईश्वर की माता चुना और यह कैसे संभव हो सकता है, मेरा तो किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए तत्काल देवदूत समझ गया और उसे कहने लगा, देखिए आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और जो पावन आत्मा से जन्मेगा वह पावनतम होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसके बाद मरिया कह उठी, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। इसके अतिरिक्त हम मरिया की उस दीनता पर ध्यान दें कि किस प्रकार वे ईश माता होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ और सभी नारियों में धन्य और पवित्र होते हुए भी कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ। विशेष कारण यह है क्योंकि वह अपने आप को बलि भांति जानती थी और वह आज हमारे सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करती है कि हमें भी उसी प्रकार ईश्वर की इच्छा को पूरे करते हुए हमेशा तत्पर रहना है और जो भी कुछ दिया हुआ है वह सब प्रभु से प्राप्त है और उसी की देन है। सभी चीज़ों में हमें सदैव उसी को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हम यह संकल्प लें कि प्रिय माता मरिया की भांति हम भी विनम्रता की राहों पर चलते हुए सदैव ईश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे धन्य कुंवारी माता मरिया, जिस प्रकार आप निष्कलंक रहते हुए प्रत्येक पल ईश्वर की इच्छा और योजना को पूरा किया, उसी प्रकार हमें भी सहायता दे ताकि हम भी हर एक पल प्रभु की इच्छा को पूरा करने में सक्षम हो और उसकी महिमा देख सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा। आमीन।